जय जगन्नाथ, वेलकम टू योर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मच्छी का डालमा। उसके लिए हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं बीन्स, गाजर, बैंगन और आलू और देसी आलू, टमाटर और पपीता और सीताफल। और ये दाल ले रखे हमने 200 ग्राम के ऊपर अरहर के दाल, ये आधे घंटे पहले भिगो के रखे हैं। और साथ में 5 पीस मच्छी। नॉर्मली फिश फ्राई होके डालती है इसके अंदर, बट मैं प्रेफर करता हूँ कच्चा फिश, क्योंकि थोड़ा कच्चे फिश डालने से थोड़ा फ्लेवर रहता है मच्छी का दालमा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने डिश में पानी गर्म कर लिए, तो पानी गर्म करने के बाद जो सारे कटा हुआ सब्जी था तो इसके अंदर हम डाल देंगे, साथ में जो दाल हमने भिगो के रखे थे वो भी डाल देंगे। और ध्यान रहे मच्छी अभी नहीं डालेंगे, जैसे ही सारे सब्जी बॉयल हो जाएगा उसके बाद हम मच्छी डालेंगे। अब इसमें क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली हम नमक और हल्दी डाल देंगे और डाल के इसको ढक देंगे। अब देखिए हमारा जो सब्जी और दाल है वो पक चुके हैं। नॉर्मली 15-20 मिनट्स छोड़िएगा इनको पकने के लिए। इसके बाद जो फिश रखे थे वो हम डाल रहे हैं। डाल के इसको ज़्यादा मिक्स मत करिएगा, हल्का से इसको अंदर दबा के इसको ढक दीजिएगा। तो बीच बीच में आप देखते रहिएगा मच्छी पका कि नहीं पका। देखिए ये हमारा मच्छी जो है बिल्कुल पक चुके हैं, साथ में सब्जी और दाल बिल्कुल खुल चुके हैं और पक चुके हैं। और इस टाइम सब्जी को ज़्यादा मिक्स मत करिएगा ताकि मच्छी जो है घुल जाता है तो दालमा जो है कांटा कांटा हो जाएगा। तो इस टाइम ज़्यादा मिक्स मत करिएगा, हल्का थोड़ा इसको मिक्स करिएगा। मच्छी डालमा कम्प्लीटली बॉयल हो चुका है। चलिए इसको हम छोंक लगाते हैं। छोंक लगाने के लिए हमने सरसों का तेल लिए और उसमें 2 साबुत लाल मिर्च और साबुत जीरा और 2 तेज पत्ता और कटा हुआ कुछ प्याज है, 1 प्याज काट के रखे थे वो है। प्याज को पहले डालेंगे, जैसे प्याज हल्का भुन जाए उसके बाद हम उसमें लाल मिर्च और हल्दी पाउडर और जो धनिया पाउडर है वो डालेंगे। उसके बाद ही हम उसमें अदरक लहसुन का जो हमने कद्दूकस करके रखे थे वो डालेंगे। इसमें थोड़ा हल्का पानी हमने दिए हैं ताकि थोड़ा बहुत ये पक जाए मसाला, ठीक है। पानी देके इसको घुमाते रहिएगा या 2 मिनट के लिए इसको ढक दीजिएगा। ध्यान रहे मसाला बनाते टाइम गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम रखिएगा। देखिए हमारा मसाला अभी बन के कम्प्लीट हो चुका है। अब इसमें हम डालने जा रहे हैं जो दालमा जो हमने बॉयल करे थे वो हम डालने जा रहे हैं। देखिए इसको डालने के बाद ज़्यादा मिक्स मत करिएगा ताकि मच्छी खुल जाते हैं। तो एंड में हम इसमें कुछ जीरा डाल रहे हैं, जो साबुत जीरा, भुना हुआ जीरा पीस के रखे थे। इससे दालमा का जो फ्लेवर है वो बढ़िया हो जाता है। और एंड में धनिया पत्ता जो हर सब्जी में डलता है। तो ये 2 चीज़ जो है वो मैंडेटरी है, मस्ट यूज़ करिएगा। ये बन के रेडी है हमारा मच्छी का डालमा, फिश डालमा। थैंक यू वेरी मच।